कल्याण बैनर्जी, श्री पी वेणुगोपाल, श्री भर्तृहरि महताब जी, श्री आनंदराव अड़सुल जी, जयप्रकाश नारायण यादव जी, आर के मोहती भारती मोहन जी, करीब 34 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। विस्तार से चर्चा हुई, किसी ने पक्ष में कहा, किसी ने विपक्ष में कहा, लेकिन ये सार्थक चर्चा इस सदन में हुई और राष्ट्रपति जी का भाषण किसी दल का नहीं होता है, देश की आशा आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का और उस दिशा में हो रहे कार्य का एक आलेख होता है और उस दृष्टि से राष्ट्रपति जी के भाषण का सम्मान होना चाहिए। सिर्फ विरोध के खातर विरोध करना कितना उचित है, सभापति महोदय जी, हमारे देश में राज्यों की रचना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी की थी। तीन नए राज्यों का निर्माण हुआ था और उन तीन राज्यों के निर्माण में, चाहे उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बना हो, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना हो, बिहार में से झारखंड बना हो, लेकिन उस सरकार की दीर्घ दृष्टि थी कि कोई भी समस्या के बिना तीनों राज्य अलग होते ही अगर जो भी बंटवारा करना था बंटवारा, अफसरों के तबादले करने थे तो अफसरों के तबादले, सारी चीजें स्मूथली हुई, नेतृत्व अगर दीर्घ दृष्टा हो, राजनीतिक स्वार्थ की हड़बड़ाहट में निर्णय नहीं होते हो तो कितने स्वस्थ निर्णय होते हैं, इसका उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो तीन राज्यों का निर्माण किया था आज देश अनुभव कर रहा है। आपके चरित्र में है, जब भारत का विभाजन किया आपने, देश के टुकड़े किए, और जो जहर बोया आज आजादी के 70 साल के बाद, एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि आपके उस पाप की सजा 125 करोड़ हिंदुस्तानी न भुगते। टुकड़े किए वो भी उस तरीके से किए, आपने चुनाव को ध्यान में रखते हुए हड़बड़ी में संसद के दरवाजे बंद करके, सदन ऑर्डर में नहीं था तब भी आंध्र के लोगों की भावनाओं का आदर किए बिना तेलंगाना बनाने के पक्ष में हम भी थे, तेलंगाना आगे बढ़े उसके पक्ष में आज भी हम हैं, लेकिन आंध्र के साथ उस दिन आपने जो बीज बोए, आपने जो चुनाव के लिए हड़बड़ी में किया, ये उसी का नतीजा है।
क्या चार साल के बाद भी समस्याएं सुलगती रहती हैं, और इसलिए आपको ये प्रकार की चीजें शोभा नहीं देती। सभापति महोदय जी, कल मैं कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीमान खड़गे जी का भाषण सुन रहा था। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि वे ट्रेजरी बेंच को संबोधित कर रहे थे, कर्नाटक के लोगों को संबोधित कर रहे थे, कि अपने ही दल के नीति निर्धारकों को खुश करने का प्रयास कर रहे थे। और जब उन्होंने कल बशीर बद्र की शायरी से शुरू किया, खड़गे जी ने बशीर बद्र जी की शायरी सुनाई, और मैं आशा करता हूं कि उन्होंने जो शायरी सुनाई है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री महोदय ने जरूर सुनी होगी। कल उस शायरी में उन्होंने कहा कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। मैं जरूर मानता हूं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने आपकी ये गुहार सुन ली होगी, लेकिन श्रीमान खड़गे जी, जिस बशीर बद्र की शायरी का आपने जिक्र किया, अच्छा होता उस शायरी में जो शब्द आप बोल रहे उसी के बिल्कुल पहले वाली दो लाइन उसको भी अगर याद कर लेते तो शायद इस देश को ये पता जरूर चलता कि आप कहां खड़े हैं। उसी शायरी में बशीर बद्र जी ने आगे कहा है, जी चाहता है सच बोले, जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करे हौसला नहीं होता। चुनाव के बाद खड़गे जी उस जगह पे होंगे कि नहीं होंगे, और इसलिए एक प्रकार से ये फेयरवेल स्पीच भी उनकी हो सकती है। और इसलिए आमतौर पे सदन में जब पहली बार कोई सदस्य बोलते हैं तो हर कोई सम्मान से कोई भी डिस्टर्बिंग के बिना सुनते हैं, और उसी प्रकार से जो फेयरवेल की स्पीच होती है वो भी करीब करीब सम्मान से देखी जाती है। अच्छा होता कल कुछ माननीय सदस्यों ने संयम बरता होता और आदरणीय खड़गे जी की बात को उसी सम्मान के साथ सुना होता तो अच्छा होता, लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। विरोध करने का हक है लेकिन सदन को मान में लेने का हक नहीं है। कल बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो।
अध्यक्ष महोदया, मैं देख रहा हूं कि जब भी हमारे विपक्ष में कुछ लोग हमारी किसी बात की आलोचना करने जाते हैं तो तथ्य तो कम होते हैं, लेकिन हमारे जमाने में ऐसा था, हमारे जमाने में ऐसा था, हमने ऐसा किया था, हम ये करते थे, ज्यादातर उसी कैसेट को बजाया जाता है। लेकिन ये न भूले कि भारत आजाद हुआ, उसके बाद भी जो देश आजाद हुए वो हमसे भी तेज गति से काफी आगे बढ़ चुके। हम नहीं बढ़ पाए, मानना पड़े, और आपने मां भारती के टुकड़े कर दिए, उसके बावजूद भी ये देश आपके साथ रहा था। आप उस जमाने में देश पर राज कर रहे थे, प्रारंभिक 3-4 दशक विपक्ष का एक प्रकार से नाम मात्र का विपक्ष था। वो समय था जब मीडिया का व्याप भी बहुत कम था और जो था वो भी ज्यादातर देश का भला होगा इस आशा से शासन के साथ चलता था। रेडियो पूरी तरह आप ही के गीत गाता था और कोई स्वर वहां सुनाई नहीं देता था, और बाद में जब टीवी आया तो वो टीवी भी आप ही को पूरी तरह समर्पित था। उस समय न्यायपालिका में भी जुडिशरी की टॉप पोजीशन पर भी नियुक्तियां कांग्रेस पार्टी करती थी, पार्टी के द्वारा तय होता था, यानी इतनी लग्जरी आपको। उस समय कोर्ट में न कोई पीआईएल होता था, न कोई एनजीओ की ऐसी भरमार हुआ करती थी। आपको, आप जिन विचारों से पले बड़े हो, वैसा ही माहौल उस समय देश में आपको उपलब्ध था। विरोध का नामो निशान नहीं था, पंचायत से पार्लियामेंट तक आप ही का झंडा फहर रहा था, लेकिन आपने पूरा समय एक परिवार के गीत गाने में खपा दिया। देश के इतिहास को भुला करके एक ही परिवार को देश याद रखे, सारी शक्ति उसी में लगाई। उस समय देश का जज्बा, आजादी के बाद के दिन थे, देश को आगे ले जाने का जज्बा था। आपने कुछ जिम्मेवारी के साथ काम किया होता तो ये देश की जनता में सामर्थ्य था, देश को कहां से कहां पहुंचा देते। लेकिन आप अपनी ही धुन बजाते रहे, और ये मानना पड़ेगा कि आपने सही दिशा रखी होती, सही नीतियां बनाई होती, अगर नीयत साफ होती तो ये देश आज जहां है उससे कई गुना आगे और अच्छा होता, इसको इनकार नहीं कर सकता। ये दुर्भाग्य रहा है देश का कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यही लगता है कि भारत नाम के देश का जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ, जैसे इसके पहले देश था ही नहीं। और कल मैं हैरान था, इसको मैं अहंकार कहूं या नासमझी कहूं या वर्षा ऋतु के समय अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास कहूं, जब ये कहा गया कि देश को नेहरू ने लोकतंत्र दिया, देश को कांग्रेस ने लोकतंत्र दिया, अरे खड़गे साहब कुछ तो कम करो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ?
जरा मैं पूछना चाहता हूं, आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आपको पता होगा ये हमारा देश जब लोकतंत्र की बात करते हैं, हमारा देश जब लिच्छवी साम्राज्य था, जब बुद्ध परंपराएं थी, तब भी हमारे देश में लोकतंत्र की गूंज थी। ये कांग्रेस और नेहरू जी ने लोकतंत्र नहीं दिया। बौद्ध संघ एक ऐसी व्यवस्था थी जो चर्चा, विचार, विमर्श और वोटिंग के आधार पर निर्णय करने की प्रक्रिया चलाता था। और श्रीमान खड़गे जी, आप तो कर्नाटक से आते हो, कम से कम एक परिवार की भक्ति करके कर्नाटक के चुनाव के बाद शायद आपकी यहां बैठने की जगह बची रहे, लेकिन कम से कम जगत गुरु बसवेश्वर जी का तो अपमान मत करो। आपको पता होना चाहिए, आप कर्नाटक से आते हो, कि जगत गुरु बसवेश्वर थे जिन्होंने उस जमाने में अनुभव मंडपम नाम की व्यवस्था की, 12वीं शताब्दी में, और गांव के सारे निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से होता था। और इतना ही नहीं, विमेन एम्पावरमेंट का काम हुआ था, उस सदन के सभा के अंदर महिलाओं का होना अनिवार्य हुआ करता था। ये जगत गुरु बसवेश्वर जी के कालखंड में लोकतंत्र को प्रस्थापित करने का काम 12वीं शताब्दी में इस देश में हुआ था। लोकतंत्र ये हमारी रगों में है, हमारी परंपरा में है। और बिहार के अंदर इतिहास गवाह है, लिच्छवी साम्राज्य के समय किस प्रकार से हमारे यहाँ, अगर हम प्राचीन इतिहास की तरफ गौर करें तो हमारे यहाँ गणराज्य की व्यवस्था हुआ करती थी 2500 साल पहले। ये भी लोकतंत्र की परंपरा थी। सहमति असहमति को हमारे यहाँ मान्यता थी। आप लोकतंत्र की बात करते हो, श्रीमान मनमोहन जी की सरकार में मंत्री रहे हुए और आप ही की पार्टी के नेता, उन्होंने अभी अभी जब आपके पार्टी के भीतर चुनाव चल रहा था तो उन्होंने मीडिया को क्या कहा था, उन्होंने कहा था जहांगीर की जगह पे शाहजहां आए, शाहजहां की जगह पे औरंगजेब आए, क्या वहां चुनाव हुआ था क्या, तो हमारे यहां भी आ गए। आप लोकतंत्र की बात करते हो, आप लोकतंत्र की बात करते हो, आप लोकतंत्र की चर्चा करते हो, मैं जरा पूछना चाहता हूं, वो कौन सा लोकतंत्र की चर्चा करते हैं जब आपके पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी हैदराबाद के एयरपोर्ट पर उतरते हैं, वहां के आप ही के पार्टी के चुने हुए मुख्यमंत्री, शेड्यूल कास्ट के मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे, और लोकतंत्र में विश्वास की बातें करने वाले लोग, जिस नेहरू जी के नाम पर आप लोकतंत्र की सारी परंपरा समर्पित कर रहे हो, श्रीमान राजीव गांधी ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतर करके एक दलित मुख्यमंत्री, उनको खुलेआम अपमानित किया था, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री।
अरे आप लोकतंत्र की चर्चा करते हो तब सवाल ये उठता है और ये तेलुगु देशम पार्टी, ये एंटी रामाराव उस अपमान की आग में से पैदा हुए थे, उस अपमान की आग में से पैदा हुए थे। टीएनजीओ का अपमान हुआ, उनका सम्मान करने के लिए रामाराव को अपना फिल्म क्षेत्र छोड़ करके आंध्र की जनता की सेवा के लिए मैदान में आना पड़ा। आप लोकतंत्र की बात समझा रहे हो? इस देश में 90 से अधिक बार धारा 356 का दुरुपयोग करते हुए राज्य सरकारों को, उन राज्यों में उभरती हुई पार्टियों को आपने उखाड़ के फेंक दिया। आपने पंजाब में अकाली दल के साथ क्या किया? आपने तमिलनाडु में क्या किया? आपने केरल में क्या किया? इस देश के लोकतंत्र को आपने पनपने नहीं दिया। आप अपने परिवार के लोकतंत्र को ही लोकतंत्र मानते हो और देश को आप गुमराह कर रहे हो। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र जब आत्मा की आवाज उठती है तो उनका लोकतंत्र दबोच जाता है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में नीलम संजीव रेड्डी को पसंद किया था और रातों रात उनके पीठ में छुरा फोंक दिया गया, अधिकृत उम्मीदवार को पराजित कर दिया गया। और ये भी देखिए, इत्तेफाक से बेबी आंध्र से आते थे, पी अंजैया के साथ किया, आपने संजीव रेड्डी के साथ किया। आप लोकतंत्र की बात बताते हो? इतना ही नहीं, अभी का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री, कैबिनेट ने निर्णय किया लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण संस्था, संविधान के द्वारा बनी हुई संस्था, आपकी आपकी पार्टी की सरकार और आपकी पार्टी के एक पदाधिकारी पत्रकार वार्ता बुला करके कैबिनेट के निर्णय को प्रेस के सामने टुकड़े कर दे। आपके मुंह में लोकतंत्र शोभा नहीं देता, आपके मुंह में लोकतंत्र शोभा नहीं देता। और इसलिए कृपा करके आप हमें लोकतंत्र के पाठ मत पढ़ाइए। मैं जरा और एक इतिहास की बात आज बताना चाहूं। क्या सच नहीं है, जब देश में कांग्रेस में नेतृत्व करने के लिए चुनाव हुआ, 15 कांग्रेस कमेटियां, उसमें से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था, 3 लोगों ने नोटा किया था, किसी को भी वोट नहीं देने का निर्णय किया था। उसके बावजूद भी नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया, वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। अभी दिसंबर में क्या ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव था कि ताकपोशी थी? आप
यूपी के पार्टी के एक नौजवान ने आवाज उठाई, वो अपना उम्मीदवारी पत्र भरना चाहता था, आपने उसको भी रोक दिया। आप लोकतंत्र की बातें करते हो, मैं जानता हूं ये आवाज दबाने के लिए इतनी कोशिश नाकाम रहने वाली है, नाकाम रहने वाली है। सुनने की हिम्मत चाहिए और इसलिए अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार की विशेषता है हम ऐसे एक वर्क कल्चर को लाए हैं जिस वर्क कल्चर में सिर्फ घोषणाएं करके अखबार की सुर्खियों में छा जाना, सिर्फ योजनाएं घोषित करके जनता की आंख में धूल झोंक देना, ये हमारा कल्चर नहीं है। हम उन चीजों को हाथ लगाते हैं जिसको पूरा करने का प्रयास करते हैं, और जो अच्छी चीजें हैं वो किसी भी सरकार की किसी की भी क्यों ना हो, अगर वो अटकी है, देश का नुकसान हो रहा है, तो उसको ठीक ठाक कर करके पूरा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें आती जाती हैं, देश बना रहता है और उस सिद्धांत को हम मानने वाले हैं। क्या ये सच नहीं है? यही मुलाजिम, यही फाइलें, यही कार्यशैली, और क्या कारण था कि पिछली सरकार में हर रोज 11 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनते थे, आज एक दिन में 22 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनते हैं। रोड आप भी बनाते हैं, रोड हम भी बनाते हैं। पिछली सरकार के आखिरी 3 सालों में 80,000 किलोमीटर सड़कें बनी, हमारी सरकार के 3 साल में 1,20,000 किलोमीटर सड़कें बनी, पिछली सरकार के आखिरी 3 वर्षों में लगभग 1100 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण हुआ, सरकार के इन 3 वर्षों में 2100 किलोमीटर हुआ, पिछली सरकार के आखिरी 3 वर्षों में 2500 किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण हुआ, इस सरकार के 3 सालों में 4300 किलोमीटर से ज्यादा काम हुआ, 2011 से बाद पिछली सरकार 2014 तक, आप फिर कहेंगे ये तो योजना हमारी थी, ये तो कल्पना हमारी थी, इसकी क्रेडिट तो हमारी है, गीत गाएंगे, सच्चाई क्या है? ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, आपकी कार्य करने के तरीके क्या थे? जब तक रिश्तेदारों का मेल न बैठे, यार अपनों का मेल न बैठे, गाड़ी आगे चलती नहीं थी। 2011 के बाद से 2014 तक आपने सिर्फ 59 पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया। 2011 से 2014 3 साल हमने आने के बाद इतने कम समय में 1,00,000 से अधिक पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा। कहां 3 साल में 60 से भी कम गांव और कहां 3 साल में 1,00,000 से ज्यादा गांव, कोई हिसाब ही नहीं है जी। और इसलिए पिछली सरकार शहरी आवास योजना 939 शहरों में लागू किए थे,
आज प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 4,320 शहरों में लागू की। आप 1,000 से भी कम, हम 4,000 से भी ज्यादा। पिछली सरकार के आखिरी 3 वर्षों में कुल 12,000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की नई क्षमता जोड़ी गई। इस सरकार के 3 सालों में 22,000 मेगावाट से भी ज्यादा जोड़ी गई। शिपिंग इंडस्ट्री, कार्गो हैंडलिंग में आपके समय नेगेटिव ग्रोथ था, इस सरकार ने 3 साल में 11% से ज्यादा ग्रोथ करके दिखाया है। अगर आप जमीन से जुड़े होते तो शायद आपकी ये हालत न हुई होती। मुझे अच्छा लगा हमारे खड़गे जी ने दो चीजें, एक तो रेलवे और दूसरा कर्नाटक, और खड़गा जी का एकदम सीना फूल जाता है। आपने बीदर कलबुर्गी रेल लाइन का जिक्र किया, जरा देश को इस सच्चाई का पता होना चाहिए। ये बात कांग्रेस के मुंह से कभी किसी ने सुनी नहीं होगी, कभी नहीं बोले होंगे, उद्घाटन समारोह में भी नहीं बोले होंगे, शिलान्यास में भी नहीं बोले होंगे। सत्य स्वीकार करिए कि ये बीदर कलबुर्गी 110 किलोमीटर की नई रेल लाइन का प्रोजेक्ट अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंजूर हुआ था, और 2013 तक आपकी सरकार रही, आप स्वयं रेल मंत्री रहे, ये आप ही के पार्लियामेंट्री काउंसिल का इलाका है, और उसके बावजूद भी इतने सालों में अटल जी की सरकार के बाद कितने साल हुए अंदाज लगाइए, सिर्फ 37 किलोमीटर का काम हुआ, 37 किलोमीटर, और वो काम भी तब हुआ जब येडियुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने भारत सरकार ने जो मांगा देने के लिए सहमति दे दी, तब जाकर के आपकी सरकार ने अटल जी के सपने को आगे बढ़ाने का चालू किया, और वो भी, और जब चुनाव आया तो आपको लगा कि ये रेल चल पड़े तो अच्छा होगा, 110 किलोमीटर होनी थी, 37 किलोमीटर के टुकड़े पे जाके झंडी फहरा करके आ गया। और हमने आकर के इतने कम समय में 72 किलोमीटर का जो बाकी काम था पूरा किया, और ये हमने ये नहीं सोचा कि विपक्ष के नेता की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको अभी गड्ढे में डालो देखा जाएगा, ऐसा पाप हम नहीं करते। आपका इलाका था लेकिन काम देश का था, हमने देश का काम मान करके उसको पूरा। और उस पूरी योजना का लोकार्पण मैंने किया तो भी आपके दर्द हो रहा है, इस दर्द की दवा शायद देश की जनता ने बहुत पहले कर दी है। अध्यक्ष महोदया, दूसरी एक चर्चा कर रहे हैं बाड़मेर की रिफाइनरी की, चुनाव प्राप्त करने के लिए, चुनाव के पहले पत्थर पे नाम जड़ जाएगा तो गाड़ी चल जाएगी। आपने बाड़मेर रिफाइनरी में जाकर के पत्थर जड़ दिए, नाम लिखवा दिया, लेकिन जब हम आकर के कागजात देखे तो जो शिलान्यास हुआ था रिफाइनरी का
वो सारा का सारा कागज पे था, जमीन पे न मंजूरी थी, न जमीन थी, न भारत सरकार के साथ कोई फाइनल एग्रीमेंट था। और चुनाव को ध्यान में रखते हुए आपने वहां भी पत्थर जड़ दिया। आपकी गलतियों को ठीक करते उस योजना को सही स्वरूप देने में गुजरात भारत सरकार को और राजस्थान सरकार को इतनी माथापच्ची करनी पड़ी, तब बड़ी मुश्किल से उसको निकाल पाए और आज उस काम को प्रारंभ कर दिया है। असम में एक डोला सादिया ब्रिज, ये डोला सादिया ब्रिज ये जब हमने उद्घाटन किया तो जरा कुछ लोगों को तकलीफ हो गई और कह दिया ये तो हमारा था, बड़ा आसान है। ये कभी नहीं बोले हैं। जब उस ब्रिज का काम आगे बढ़ रहा था कभी सदन में सवाल उठे हैं, कभी ये कहने की ईमानदारी नहीं दिखाई कि ये काम भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में निर्णय हुआ। और वो भी हमारे बीजेपी के एक विधायक, उन्होंने विस्तार से अध्ययन करके मांग की थी और अटल जी ने उस मांग को माना था और उसमें से ये बना था। और 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के इलाकों को हमने प्राथमिकता दी और उसको तेज गति से आगे बढ़ाने का काम हमने किया और तब जाकर के वो ब्रिज बना। इतना ही नहीं, मैं गर्व से कह सकता हूं ये सरकार है जो देश में आज सबसे लंबी सुरंग, सबसे लंबी गैस पाइपलाइन, सबसे लंबा समंदर के अंदर ब्रिज, सबसे तेज ट्रेन, ये सारे निर्णय यही सरकार कर सकती है और समय सीमा में आगे बढ़ा रही है। इसी कालखंड में 104 सैटेलाइट छोड़ने का विक्रम भी इसी कालखंड में होता है। इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता है जो राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया। और मैं कहना चाहूंगा लोकतंत्र कैसा होता है, शासन में रहे हुए हर एक का सम्मान कैसा होता है। लाल किले पर से भाषण निकाल दीजिए, आजादी के सभी कांग्रेस के नेताओं के लाल किले से भाषण निकाल दीजिए, एक भाषण में किसी ने ये कहा हो कि देश में जो प्रगति हो रही है उसमें सभी सरकारों का योगदान है, भूतपूर्व सरकारों का योगदान है, ऐसा एक वाक्य लाल किले पर से कांग्रेस के नेताओं ने बोला हो तो जरा इतिहास खोल करके ले आइए। ये नरेंद्र मोदी लाल किले पर से कहता है कि देश आज जहां है पुरानी सभी सरकारों का भी योगदान है, राज्य सरकारों का भी योगदान है और देशवासियों का योगदान है, खुलेआम स्वीकार करने की हमारी हिम्मत है और ये हमारे चरित्र में है। मैं आज बताना चाहता हूं, गुजरात में जब मुख्यमंत्री था तो उस मुख्यमंत्री के कालखंड में गुजरात की गोल्डन जुबिली का ईयर था। हमने गोल्डन जुबिली ईयर मनाने में जो कार्यक्रम किए, एक कार्यक्रम क्या किया, जितने भी राज्यपाल श्री के भाषण थे, गवर्नर के भाषण क्या होते हैं, जैसे राष्ट्रपति का भाषण उस सरकार की गतिविधियों का उल्लेख करता है, गवर्नर का भाषण उस काल की राज्य सरकार के किए गए कामों का बयान करता है। सरकारें कांग्रेस की रही थी गुजरात बनने के बाद, लेकिन हमने गुजरात बना तब से लेकर के 50 साल की यात्रा में जितने भी गवर्नरों के भाषण थे जिसमें सभी सरकारों के काम का ब्यौरा था,
उसका ग्रंथ प्रसिद्ध किया और उसको आर्काइव में रखने का काम करें। लोकतंत्र इसको कहते हैं। आप मेहरबानी कर करके हर कुछ आप ही ने किया है, आपका एक परिवार ने किया है, इस मानसिकता के कारण आज वहां जाकर बैठने की नौबत आई है आपको। आपने देश को स्वीकार नहीं किया और इसलिए आज ये कारण है कि दोगुनी रफ्तार से सड़कें बन रही हैं, रेलवे लाइनें तेज गति से आगे बढ़ रही हैं, पोर्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं, गैस पाइपलाइन बिछ रही है, बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट उसको खोलने का काम चल रहा है, करोड़ों घरों में शौचालय बन रहे हैं और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। मैं जरा कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, रोजगारी और बेरोजगारी की आलोचना करने वाले, उनसे मैं जरा पूछना चाहता हूं, आप जब बेरोजगारी का आंकड़ा देते हैं तो आप भी जानते हैं, देश भी जानता है, मैं भी जानता हूं कि आप बेरोजगारी का आंकड़ा पूरे देश का देते हैं। अगर बेरोजगारी का आंकड़ा पूरा देश के हैं तो रोजगारी का आंकड़ा भी पूरे देश का बनता है। अब आपको हमारे बात पर भरोसा नहीं होगा, मैं जरा पूछ कहना चाहता हूं और आप रिकॉर्ड तपास लीजिए, पश्चिम बंगाल की सरकार, कर्नाटक की सरकार, उड़ीसा की सरकार और केरल की सरकार, हम तो है नहीं वहां, न कोई एनडीए है, इन चार सरकारों ने स्वयं ने जो घोषित किया है उस हिसाब से पिछले तीन चार वर्ष में इन चार सरकारों का दावा है कि वहां करीब करीब 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। क्या आप उनको भी इनकार करोगे क्या? क्या आप उस रोजगार को रोजगार नहीं मानोगे क्या? बेरोजगारी देश की और पूरे देश पर रोजगारी का काम, और मैं इसमें देश के आर्थिक रूप से समृद्ध राज्यों की चर्चा नहीं कर रहा, भाजपा की सरकारों की चर्चा नहीं कर रहा, एनडीए की सरकारों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं उन सरकारों की चर्चा कर रहा हूं जो सरकार में आपके लोग बैठे हैं और रोजगार के क्लेम वो कर रहे हैं। या तो आप नकार कर दीजिए कि आपकी कर्नाटक सरकार रोजगार के जो आंकड़े बोल रही है झूठे बोल रही है, बोलो। और इसलिए देश को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए और ऐसे देश के सभी राज्यों के रोजगार, भारत सरकार ने जो प्रयास किया है उसकी योजनाएं, और आप जानते हैं 1 साल में 70 लाख नए ईपीएफ में नाम रजिस्टर हुए हैं और ये 18 से 25 साल के नौजवान है, बेटा बेटियां है और इनका नाम जुड़ा है। क्या ये रोजगार नहीं है क्या? इतना ही नहीं, जो कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई लॉयर बने, कोई चार्टर्ड अकाउंट बने, कोई कंपनी सेक्रेटरी बने, ये इन्होंने अपने कारोबार प्रारंभ किए, अपनी कंपनियों में लोगों को काम दिया, खुद का रोजगार बढ़ाया, आप इसको गिनने को तैयार नहीं है। और आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं, फॉर्मल सेक्टर में सिर्फ 10% रोजगार होता है, इनफॉर्मल सेक्टर में 90% होता है और आज इनफॉर्मल को भी फॉर्मल में लाने के लिए हमने कई ऐसे इंसेंटिव और कई योजनाएं बनाने की दिशा में सफलतापूर्वक प्रयास किया है। इतना ही नहीं, आज देश का मध्यम वर्गीय परिवार का नौजवान वो नौकरी की भीख मांगने वालों में से नहीं, वो सम्मान से जीना चाहता है, वो अपने बलबूते पर जीना चाहता है। मैंने ऐसे कई आईएएस अफसर देखे हैं, कभी मैं पूछता हूं कि आपके संतान क्या करते हैं,
ज्यादातर मैं सोचता हूँ शायद वो भी बाबू बनेंगे, लेकिन आजकल वो मुझे कह रहे हैं कि साहब जमाना बदल गया है, हमारे पिताजी के सामने हम थे तो हम सरकारी नौकरी खोजते खोजते यहाँ पहुँच गए, आज हमारे बच्चों को हम कहते हैं कि बेटा यहाँ आ जाओ, वो मना करता है और वो कहता है मैं तो स्टार्टअप चालू करूंगा, वो विदेश से पढ़ करके आया है बोले मैं स्टार्टअप चालू करूंगा, सब दूर। देश के नौजवानों में ये एस्पिरेशन है और भारत के नेतृत्व में कोई भी दल हो, देश के मध्यम वर्ग की तेजो तर्रार जो नौजवान है उनके एस्पिरेशंस को बल देना चाहिए, उनको निराश करने का काम नहीं करना चाहिए। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्किल डेवलपमेंट योजना, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग की योजना, ये सारी बातें देश के मध्यम वर्ग के ऊर्जावान नौजवानों को उस एस्पिरेशन को बल देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा लोन्स की स्वीकृति हुई है, ये आंकड़ा कम नहीं है। और अभी तक ये 10 करोड़ लोन स्वीकृति में कहीं किसी की कटकी हुई, कोई बीच में दलाल आया, उसकी कोई शिकायत नहीं आई है। और ये भी तो इस सरकार के वर्क कल्चर का परिणाम, ये भी उस वर्क कल्चर का परिणाम है, कोई बिचौलिया नहीं आया। और उसका कारण था कि हमने जो प्रोडक्ट बनाई है, नीति नियम बनाए हैं, उसी का वो परिणाम था कि उसको बिना कोई गारंटी बैंक में जाकर के उसको धन मिल सकता है। और इन 10 करोड़ लोन स्वीकृत हुई है उसमें 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा दिया गया। इतना ही नहीं, ये लोन प्राप्त करने वाले लोग हैं उसमें 3 करोड़ लोग बिल्कुल नए उद्यमी हैं, जिनको कभी ऐसा अवसर नहीं आया जीवन में, ऐसे लोग हैं। क्या ये भारत की रोजगारी बढ़ाने का काम नहीं हो रहा है? लेकिन आपने आंखें बंद करके रखी है और इसलिए आप अपने गीत गाने से ऊपर आ नहीं पा रहे, और ये मानसिकता आपको वहीं रहने देगी। और ये भी अटल जी ने कहा है, वही सच्चाई है कि आप छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। अटल जी ने कहा है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। और इसलिए आप वहीं रह जाओगे, वहीं पर गुजारा करना है आपको। मैं जरा पूछना चाहता हूं, ये सब हमारे जमाने के गीत गाते रहते हैं, अस्सी के दशक में हमारे देश में ये गूंज सुनाई रह रही थी, 21वीं सदी आ रही है। और उस समय के कांग्रेस के नेता हर चीज 21वीं सदी का एक पर्चा दिखा रहे थे, नौजवान नेता थे, नए नए आए थे, अपने नाना से भी ज्यादा सीटें जीत करके आए थे और देश की जनता को 21वीं सदी। और मैंने उस समय एक कार्टून देखा था, बड़ा इंटरेस्टिंग कार्टून था कि रेल के पास प्लेटफॉर्म पर एक नौजवान खड़ा है और सामने से ट्रेन आ रही है, ट्रेन पर लिखा था 21वीं शताब्दी, और ये नौजवान उस तरफ दौड़ रहा है। एक बुजुर्ग ने कहा, खड़े रहो, वो तो आने ही वाली है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कि 80 के दशक में 21वीं शताब्दी के सपने दिखाए जाते थे, सारी देर 21वीं सदी के भाषण सुनाए जा रहे थे, और 21वीं सदी बात करने वाली सरकार इस देश में एविएशन पॉलिसी तक नहीं ले पाई। अगर 21वीं सदी में एविएशन पॉलिसी नहीं होगी वो कैसी 21वीं सदी का आपने सोचा था? बैलगाड़ी वाली यही आप चल रहे हैं। भाइयों बहनों, अध्यक्ष महोदय, एक एविएशन पॉलिसी हमने बनाई और आज छोटे छोटे शहरों में जो छोटी छोटी हवाई पट्टियां पड़ी हुई थी इसका हमने उपयोग किया और 16 नई हवाई पट्टियां
जहां जहाज आना जाना शुरू हो गया, 80 से ज्यादा एविएशन के लिए संभावनाएं पड़ी हुई है, उस पर हम कर रहे हैं। टायर 2 टायर 3 इन शहरों में हवाई जहाज उड़ने वाले हैं। और आज देश में ये सुनकर के वहां तकलीफ होगी, आज देश में करीब करीब 450 जहाज हवाई जहाज ऑपरेशनल है, करीब करीब 450। आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारे इस इनिशिएटिव का परिणाम है कि इस वर्ष 900 से ज्यादा नए हवाई जहाज खरीदने के ऑर्डर हिंदुस्तान से गए हैं। और इसलिए मैं मानता हूं, और ये सफलता इसलिए नहीं मिली है कि सिर्फ हम निर्णय करते हैं, हम टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हैं, हम मॉनिटरिंग करते हैं। अरे रोड के काम को भी और रेल के काम को हम ड्रोन से देख रहे हैं, हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के द्वारा हम टैगिंग कर रहे हैं, और कहां क्या कहां। इतना ही नहीं, टॉयलेट बने तो मोबाइल फोन पर उसकी तस्वीर टैग की जाती है, और इस प्रकार से हर चीज को सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आगे बढ़ाने का हमने काम किया है। और उसके कारण, मॉनिटरिंग के कारण गति भी आई है, मॉनिटरिंग के कारण ट्रांसपेरेंसी को भी ताकत मिली है। मैं हैरान हूं, अगर आधार, मुझे बराबर याद है जब हम चुनाव जीत करके आए, आप ही की तरफ से आशंकाएं पैदा की गई थी कि मोदी आधार को खत्म कर देगा, ये हमारी योजना है, मोदी पटक देगा, मोदी आधार को आने नहीं देगा, आप मान करके चले थे। और इसलिए आपने मोदी पर हमला बुलाने के लिए आधार का इसलिए उपयोग किया था कि मोदी लाएगा नहीं। लेकिन जब मोदी ने उसको वैज्ञानिक तरीके से लाया और उसका वैज्ञानिक उपयोग करने के रास्ते खोजे जो आपकी कल्पना में तक नहीं थे, आपकी कल्पना में तक नहीं थे, और अब जब आधार लागू हो गया, अच्छे ढंग से लागू हो गया, गरीब से गरीब सच्चे व्यक्ति को अच्छी तरह उसका लाभ मिलने लगा, तो आपको आधार का इम्प्लीमेंटेशन बुरा लगने लग गया। चट भी मेरी पट भी मेरी, ये खेल चलता है क्या? और इसलिए आज 115 करोड़ से ज्यादा आधार बन चुके हैं, करीब केंद्र सरकार की 400 योजनाएं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से गरीबों के खाते में सीधे पैसे जाने लगे हैं, 57,000 करोड़ रुपया। अरे आपने ऐसी ऐसी विधवाओं को पेंशन दिया है जो बेटी का जन्म नहीं हुआ वो कागज पे विधवा हो जाती है, सालों तक पेंशन जाता है, पैसे जाते हैं, और मलाई खाने वाले बिचौलिए मलाई। विधवा के नाम पर, बुजुर्गों के नाम पर, दिव्यांगों के नाम पर सरकारी खजाने से निकले पैसे बिचौलियों के जेब में गए हैं और राजनीति चलती रही है। आज आधार के कारण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आप दुखी ऐसा नहीं है, आपका दुख का कारण है ये जो बिचौलियों की जाल थी, वो बिचौलियों की जाल खत्म हुई है, और इसलिए जो रोजगार गया है बिचौलियों का गया है, जो रोजगार गया है बेईमानों का गया है, जो रोजगार गया है देश को लूटने वालों का गया है। अध्यक्ष महोदया, अध्यक्ष महोदया, 4 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की सौभाग्य योजना हम लाए। आप कहेंगे कि लोगों के घरों में बिजली देने की योजना हमारे समय की होगी, लेकिन क्या बिजली थी, क्या ट्रांसमिशन लाइनें थी,
अरे 18,000 गांव तक खंबे तक नहीं लगे थे, 18वीं शताब्दी में जीने के लिए वो मजबूर हुआ था। और आप ये कह रहे हैं कि हमारी योजना थी और हम किसी भी डेवलपमेंट के लिए टुकड़ों में नहीं देखते, हम एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड अप्रोच और दूरदृष्टि के साथ और दूरगामी परिणाम देने वाली योजना के साथ हम चीजों को आगे करते हैं। सिर्फ बिजली का विषय मैं बताना चाहता हूं, आपको पता चलेगा कि सरकार के काम करने का तरीका क्या है, हम किस तरीके से काम करते हैं। बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 4 करोड़ घरों में, देश में कुल घर है 25 करोड़, 4 करोड़ घरों में आज भी बिजली न होना मतलब कि करीब करीब 20% लोग आज भी अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये गर्व करने जैसा विषय नहीं है। अरे आपने हमें विरासत में दिया है जिसको पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं। हम बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 4 अलग अलग चरणों में चीजों को हमने हाथ लगाया। एक बिजली उत्पादन प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा आता है कनेक्शन, और ये सारी चीजें एक साथ हम आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हमने बिजली के प्रोडक्शन पर बढ़ाने पर बल दिया, सौर ऊर्जा हो, हाइड्रो ऊर्जा हो, थर्मल हो, न्यूक्लियर हो, जो भी क्षेत्र से बिजली हो सकती है और उस पर हमने बल देकर के बिजली का उत्पादन बढ़ाया। ट्रांसमिशन नेटवर्क में हमने तेज गति से वृद्धि की, पिछले 3 सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक प्रोजेक्ट पर काम किया, ये पिछली सरकार के आखिरी 3 वर्षों की तुलना में 83% ज्यादा है। हमने स्वतंत्रता के बाद देश में कुल स्थापित ट्रांसमिशन लाइन, इसमें 2014 के बाद 31%, यानी आजादी के बाद जो था उसमें 31% अकेले हमने आकर के बढ़ाया। ट्रांसफार्मर कैपेसिटी पिछले 3 साल में 49% हमने बढ़ाई है। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप, निर्बाध रूप से बिजली को ट्रांसमिशन करने के लिए सारा नेटवर्क का काम हमने खड़ा कर दिया है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत करने के लिए 2015 में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना यानी कि उदय योजना और राज्यों को साथ लेकर के एमओयू करके आगे बढ़ाई है। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में बेहतर ऑपरेशनल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्थापित हो उस पर हमने बल दिया है। इसके बाद कनेक्शन के लिए घर में बिजली पहुंचाने के लिए सौभाग्य योजना लॉन्च की है। एक तरफ बिजली पहुंचाना, दूसरी तरफ बिजली बचाना। हमने 28 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे। मध्यम वर्ग का परिवार जो घर में बिजली का उपयोग करता है, 28 करोड़ बिजली के बल्ब पहुंचने के कारण 15,000 करोड़ रुपया बिजली का बिल बचा है जो मध्यम वर्ग के परिवार के जेब में बचा है, देश के मध्यम वर्ग को लाभ हुआ है। हमने वेस्टेज ऑफ टाइम भी बचाया है, हमने वेस्टेज ऑफ मनी को भी रोकने के लिए ईमानदारी के प्रयास किया। अध्यक्ष महोदया, यहां पर किसानों के नाम पर राजनीति करने के भरपूर प्रयास चल रहे हैं और उनको भी मददगार लोग मिल जाते हैं। ये सच्चाई है कि आजादी के 70 साल के बाद भी हमारे किसान जो उत्पादन करते हैं, करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपयों का ये जो उत्पादित चीजें हैं, फल हो, फूल हो, सब्जी हो, अन्न हो, ये खेत से लेकर स्टोर तक और बाजार से तक जो सप्लाई चेन चाहिए
उसकी कमी के कारण वो संपदा बर्बाद हो जाती है। हमने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शुरू की और हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बल दे रहे हैं कि किसान जो पैदावार करता है उसको रखरखाव की व्यवस्था मिले, कम खर्चे से मिले और उसकी फसल बर्बाद न हो, उसकी गारंटी तैयार हो। सरकार ने सप्लाई चेन में नए इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में मदद करने का फैसला किया है और इसके बाद जो 1,00,000 करोड़ बचेंगे वो देश को, किसानों को, फूड प्रोसेसिंग में लगे हुए मध्यम वर्ग के नौजवानों को, गांव में ही कृषि आधारित उद्योगों के लिए अवसर की संभावनाएं में पैदा हुई है। हमारे देश में जितना कृषि का महत्व है उतना ही पशुपालन का, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे देश में पशुपालन के क्षेत्र में आवश्यक प्रबंधन के अभाव में सालाना 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। हमने पशुओं की चिंता करना, कामधेनु योजना के द्वारा इन पशुओं का रखरखाव की चिंता करने के लिए, उनके आरोग्य की चिंता करने के लिए एक बड़ा एग्रेसिव काम शुरू किया है और उसके कारण कामधेनु की योजना का लाभ देश के पशुपालक को और जो किसान पशुपालन करता है उनको एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। हम 2 गुना 22 में इनकम करने की बात करते हैं, 80 में 21वीं सदी की बात करना वो तो मंजूर था, लेकिन मोदी अगर आज 2018 में आजादी के 75 साल वाले 2022 को याद करें तो आपको तकलीफ हो रही है कि मोदी 22 की बातें क्यों करता है। अब 80 में 21वीं सदी के गीत गाते थे, देश को दिखाते रहते थे और जब मेरी सरकार निर्धारित काम के साथ 2022 आजादी के 75 साल एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा, उसको लेकर के अगर काम कर रही है तो आपको उसकी भी तकलीफ हो रही है और किसानों की आय 2 गुना कर रहा। आप शंकाओं में इसलिए जीते हैं कि आपने कभी बड़ा सोचा ही नहीं, छोटे मन से कुछ होता नहीं, छोटे मन से कुछ होता है। आप किसान की आय 2 गुना करनी, क्या हम उसकी लागत में कमी नहीं कर सकते? सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा ये संभव हुआ है, सोलर पंप के द्वारा संभव हुआ है, यूरिया नीम कोटिंग के कारण संभव हुआ है। ये सारी चीजें किसान की लागत कम करने के लिए काम आने वाली चीजें हैं, ऐसे अनेक चीजों को हमने आगे बढ़ाया है। उसी प्रकार से किसान को अपने किसानी कारोबार के साथ हमने बम्बू का निर्णय किया, अगर वो अपने खेत के किनारे पर बम्बू लगाएगा और उस बम्बू का बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, आज देश हजारों करोड़ रुपए का बम्बू इंपोर्ट करता है। आपकी एक गलत नीति के कारण कि आपने बम्बू को ट्री कह दिया, पेड़ कह दिया और उसके कारण कोई बम्बू काट नहीं सकता था। मेरे नॉर्थ ईस्ट के लोग परेशान रहे, हम में हिम्मत है कि हमने बम्बू को ग्रास की कैटेगरी में ला करके रखा, वो किसान की आय बढ़ाएगा। अपने खेत पर किनारे पर अगर वो बम्बू लगाता है उसकी साया के कारण किसान को तकलीफ नहीं होती है, उसकी अतिरिक्त इनकम बढ़ेगी। हम दूध के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, प्रति पशु हमारे यहाँ दूध कम उत्पादन होता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। हम मधुमक्खी पालन पर बल देना चाहते हैं, आपको हैरानी होगी मधुमक्खी पालन में करीब करीब 40% वृद्धि हुई है, 40 मद एक्सपोर्ट करने में हुए और बहुत कम लोगों को मालूम होगा। आज दुनिया होलिस्टिक हेल्थ केयर, इको फ्रेंडली लिविंग इसमें बल दे रहा है और इसलिए उसको केमिकल वैक्स से बच करके बी वैक्स चाहिए। आज पूरे दुनिया में बी वैक्स का बहुत बड़ा मार्केट है और हमारा किसान खेती के साथ मधुमक्खी का पालन करेगा तो बी वैक्स के कारण उसको एक उत्तम प्रकार का आय में भी बदलाव होगा। हम ये भी जानते हैं कि मधुमक्खी फसल को उगाने में भी एक नई ताकत देती है। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं वो ये सारे काम, दूध उत्पादन हो, पोल्ट्री फार्म हो, फिशरीज हो, बाम्बू हो, वैल्यू एडिशन हो, ये सारी चीजें हैं जो किसान की आय को डबल करती है। हम जानते हैं
सोचते थे आधार कभी आएगा नहीं, आ गया। उनको ये भी परेशानी थी कि जीएसटी नहीं आएगी और हम सरकार को दबोचते रहेंगे। अब जीएसटी आ गई तो क्या करें, तो नया खेल खेलो। ये खेल चल रहा है, कोई देश की राजनीति नेतागिरी देश को निराश करने का काम कभी नहीं करती। लेकिन कुछ लोगों ने इस काम का रास्ता अपनाया है। आज सिर्फ जीएसटी के कारण लॉजिस्टिक में जो फायदा हुआ है, हमारी ट्रक पहले जितना समय उसका जाता था वेस्टेज जाम के कारण, टोल टैक्स के कारण, आज उसका वो बच गया और हमारे ट्रांसपोर्टेशन की कैपेसिटी को 60% डिलीवरी की ताकत नहीं आई है। जो काम 5-6 दिन में एक ट्रक जाके करता था वो आज 2.5-3 दिन में पूरा कर रहा है। ये देश को बहुत बड़ा फायदा है। हमारे देश में मध्यम वर्ग भारत को आगे ले जाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। मध्यम वर्ग को हम निराश करने के लिए भ्रम फैलाने के प्रयास हो रहे हैं। झूठ पैपरा, हमारे देश का मध्यम वर्ग का व्यक्ति गुड गवर्नेंस चाहता है, बेहतरीन व्यवस्थाएं चाहता है। वो अगर ट्रेन की टिकट ले तो ट्रेन में उसके हक की सुविधाएं चाहता है। अगर वो कॉलेज में बच्चों को पढ़ने के लिए भी दे तो उसको अच्छी शिक्षा चाहता है। बच्चों को स्कूल भेजे तो स्कूल में अच्छी शिक्षा चाहता है। वो खाना खरीदने जाए तो खाने की क्वालिटी अच्छी मिले, ये मध्यम वर्ग का व्यक्ति चाहता है। और सरकार का ये काम है कि पढ़ाई के बेहतर संस्थान हो, उचित मूल्य पर उसको घर मिले, अच्छी सड़कें मिले, ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधाएं मिले, आधुनिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मध्यम वर्ग की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए ये सरकार ढेर सारे कदम करके क्या कर रही है। हमने और ये चुन करके हैरान हो जाएंगे लोग, एंट्री लेवल इनकम टैक्स दुनिया में 5% की दर पर सबसे कम अगर कहीं है तो भारत हिंदुस्तान में है, जो गरीबों को किसी समृद्ध देश में भी नहीं, समृद्ध देश में भी नहीं है, वो हमारे यहाँ है। 2000 के पहले बजट में टैक्स से छूट की सीमा 50,000 रुपया बढ़ाकर 2.5 लाख रुपया कर दिया गया। इस वर्ष बजट में 40,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने मंजूर कर दिया है। सीनियर सिटीजन को टैक्स में छूट का भी प्रावधान किया है। मध्यम वर्ग को करीब 12,000 करोड़ रुपया का सालाना नया फायदा, ये जुड़ता जाए, ये काम हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हमने किया है। ब्याज में पहली बार इस देश में मध्यम वर्ग के लोगों को ब्याज में राहत देने का काम इस सरकार ने किया है। नए एम्स, नई आईआईटी, नए आईएम, 11 बड़े शहरों में मेट्रो, 32 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइट एलईडी कर दी गई है। और इसलिए नए उद्यमों, एमएसएमई, ये कोई इनकार नहीं कर सकता, एमएसएमई क्षेत्र के साथ जुड़े लोग ये मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग, 250 करोड़ के टर्नओवर पर हमने टैक्स रेट 30% से कम करके 25% करके मध्यम वर्ग के समाज की बहुत बड़ी सेवा की है, 5% दिया है। 2 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाले सभी व्यापारियों को केवल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से लेन देन करते हैं, सरकार उनकी आय को टर्नओवर का 8% नहीं 6% मानती है, यानी उन्हें टैक्स में 2% का लाभ होगा। जीएसटी में 1.5 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर वाले कारोबार को कंपोजिशन स्कीम के दी गई और टर्नओवर का केवल 1% ही भुगतान, ये भी दुनिया में सबसे कम हिंदुस्तान में करने वाली ये सरकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनधन योजना 31 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक अकाउंट खोला, 18 करोड़ से ज्यादा गरीबों को
स्वास्थ्य सुरक्षा की बीमा योजना का लाभ हो, 90 पैसे प्रतिदिन या 1 रुपया महीना, इतना अच्छा प्रोडक्ट वाला बीमा हमने देश को गरीबों को दिया। और आप ये जान करके आपको संतोष होगा कि इतने कम समय में ऐसे गरीब परिवारों को कोई आफत आई तो इंश्योरेंस की योजना के कारण ऐसे परिवारों को 2,000 करोड़ रुपया उनके घर में पहुंच गए। ये असामान्य काम हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत 3,30,00,000 माँ बहनों को, गरीब माँ बहन, अरे गैस का कनेक्शन के लिए ये एमपीओ के कुर्ते पकड़ करके चलना पड़ता था, हम सामने से जाकर के गैस कनेक्शन दे रहे हैं। और अब संख्या हमने 8 करोड़ करने का निर्णय किया है। आयुष्मान भारत योजना, मैं हैरान हूँ क्या देश के गरीब को स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी। गरीब पैसों के अभाव में इलाज करवाने नहीं जाता है, वो मृत्यु को पसंद करता है लेकिन बच्चों के लिए वो कर्ज छोड़ करके जाना नहीं चाहता है। क्या ऐसे गरीब निम्न मध्यम वर्ग के परिवार की रक्षा करने का निर्णय गलत हो सकता है क्या? हाँ, आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट में कोई बदलाव करना है, अच्छे पॉजिटिव सुधार लेकर के आएगी, मैं स्वयं समय देने के लिए तैयार हूँ ताकि देश के गरीबों को 5,00,000 रुपया तक सालाना खर्च करे उसके काम आए सरकार। लेकिन आप उसके लिए भी इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छी योजना है, जरूर मुझे सुझाइए, हम मिल बैठ करके नक्की करेंगे, तय करेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय जी, हमारी सरकार ने जो कदम उठाए उसने सरकार के समाज के भी सोचने के तौर तरीके में बदलाव किया। जनधन योजना गरीब का आत्मविश्वास बढ़ाया है, बैंक में पैसे जमा कर रहा है, रुपए डेबिट कार्ड उपयोग कर रहा है, वो भी अपने आप को समृद्ध परिवारों की बराबरी का देखने लगा है। स्वच्छ भारत मिशन महिलाओं के अंदर एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास पैदा करने का काम किया है, अनेक प्रकार की पीड़ाओं से उसको मुक्ति देने का कारण बना है। उज्ज्वला योजना गरीब माताओं को धुएं से मुक्ति दिलाने का काम कहा। पहले हमारा श्रमिक या तो अच्छी नौकरी पाने के लिए पुरानी नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि पुराने जमा पैसे डूब जाएंगे। हमने उसके अनक्लेम 27,000 करोड़ रुपया यूनिवर्सल अकाउंट नंबर देकर के उस तक पहुंचाने का काम किया है। और आगे गरीब मजदूर जहां जाएगा उसका बैंक अकाउंट में 7 साल चलता जाएगा, ये काम किया है। भ्रष्टाचार और काला धन अभी भी आपको रात को नींद नहीं आती, मैं जानता हूं आपकी बेचैनी। भ्रष्टाचार के कारण जमानत पर जीने वाले लोग भ्रष्टाचार के कामों से बचने वाले नहीं है, कोई भी बचने वाला नहीं। पहली बार हुआ है देश में 4-4 पूर्व मुख्यमंत्री भारत की न्यायपालिका ने उनको दोषी घोषित कर दिया है और जेल में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हो रहा है। यह हमारा कमिटमेंट, देश को जिन्होंने लूटा है उनको देश को लौटाना पड़ेगा और उस काम में मैं कभी पीछे हटने वाला नहीं हूं। यह मेरा आर्टिकल ऑफ फेथ, मैं लड़ने वाला इंसान, और इसलिए आज देश में एक ईमानदारी का माहौल बना, एक ईमानदारी का उत्सव है। अधिक लोग आज आगे आ रहे हैं, इनकम टैक्स देने के लिए आ रहे हैं, उनको भरोसा है कि शासन के पास खजाने में जो पैसा जाएगा पाई पाई का हिसाब मिलेगा, सही उपयोग होगा, ये काम हो रहा है। आज मैं एक विषय को जरा विस्तार से कहना चाहता हूं। कुछ लोगों को झूठ बोलो, जोर से झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, ये फैशन हो गई है। हमारे वित्त मंत्री ने बार बार इस बात को कहा है तो भी
उनकी मदद करने चाहने वाले लोग सत्य को दबा देते हैं और झूठ बोलने वाले लोग चौराहे पर खड़े रह करके जोरों से झूठ बोलते रहते हैं। और वो मसला है एनपीए का। मैं इस सदन के माध्यम से, अध्यक्ष महोदया आपके माध्यम से आज देश को भी कहना चाहता हूं कि आखिर एनपीए का मामला है क्या। देश को पता चलना चाहिए कि एनपीए के पीछे ये पुरानी सरकार के कारोबार है और शत प्रतिशत पुरानी सरकार जिम्मेवार, 1% भी कोई और नहीं है। आप देखिए, उन्होंने ऐसी बैंकिंग नीतियां बनाई कि जिसमें बैंकों पर दबाव डाले गए, टेलीफोन जाते थे, अपने चहेतों को लोन मिलता था, वो लोन पैसा नहीं दे पा रहे थे, बैंक नेता सरकार बिचौलिए मिलकर के उसका रिस्ट्रक्चर करते थे, बैंक से गया पैसा कभी बैंक में आता नहीं था, कागज पे आता जाता चल रहा था और देश लूटा जा रहा था। उन्होंने अरबों खरबों रुपया दे दिया। हमने बाद में आना करके आते ही हमारे ध्यान में विषय आया, अगर मुझे राजनीति करनी होती तो मैं पहले ही दिन देश के सामने वो सारे तथ्य रख देता। लेकिन ऐसे समय बैंकों की एक दुर्दशा की बात देश के अर्थतंत्रों को तबाह कर देती, देश में एक ऐसा संकट का माहौल आ जाता उससे निकालना मुश्किल हो जाता। और इसलिए आपके पापों को देखते हुए, जानते हुए, सबूत होते हुए मैंने मौन रखा मेरे देश की भलाई के लिए, आपके आरोप में सहता रहा देश की भलाई के लिए। लेकिन अब बैंकों को हमने आवश्यक ताकत दी है, अब समय आ गया है कि देश के सामने सत्य आना चाहिए। ये एनपीए आपका पाप था। और मैं आज इस पवित्र सदन में खड़ा रह करके कह रहा हूं, मैं लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा रह करके कह रहा हूं, हमारी सरकार आने के बाद एक भी ऐसी लोन हमने नहीं दी है जिसको एनपीए की नौबत आई हो। और आपने छुपाया, आपने क्या किया, आपने आंकड़े गलत दिए। जब तक आप थे आपने बताया कि एनपीए 36% है। हमने जब देखा और 2014 में हमने कहा भाई झूठ नहीं चलेगा, सच करो, जो होगा देखा जाएगा। और जब खारे कागजात खंगालना शुरू किया तो आपने जो देश को बताया था वो गलत आंकड़ा था, 82% एनपीए था, 82%। मार्च 2018 में बैंकों द्वारा दिया गया कुल एडवांस 18,00,000 करोड़ रुपए, और हमने 6 साल में आप देखिए क्या हाल हो गया, 8 में 18,00,000 करोड़। और आप जब तक मार्च 2000 तक बैठे थे ये 18,00,000 करोड़ पहुंच गया 52,00,000 करोड़ रुपया, जो देश के गरीब का पैसा आपने लुटा दिया। और लगातार आप रिस्ट्रक्चर करते रहे कागज पे, हाँ लोन आ गया लोन दे दिया, लोन आ गया लोन दे दिया, आप ऐसे ही उनको बचाते रहे, क्योंकि बीच में बिचौलिए थे, क्योंकि वो आपके चहेते थे, क्योंकि आपका कोई ना कोई उसमें हित सधा हुआ था। और इसलिए आपने ये काम किया, हमने तय किया कि जो भी तकलीफ होगी सहेंगे,
लेकिन साफ सफाई और मेरा स्वच्छता अभियान सिर्फ चौराहे तक नहीं है, मेरा स्वच्छता अभियान इस देश के नागरिकों के हक के लिए इन आचार विचार में भी है और इसलिए हमने इस काम को किया है। हमने योजना बनाई, 4 साल लगे रहे, हमने रिकैपिटलाइजेशन पर काम किया है, हमने दुनिया भर के अनुभवों का अध्ययन किया है और देश की बैंकिंग सेक्टर को ताकत दी गई है। ताकत देने के बाद आज मैं पहली बार 4 साल आपके झूठ को झेलता रहा, आज मैं देश के सामने पहली बार ये जानकारियां दे रहा हूँ। 18 लाख करोड़ से 52 लाख करोड़ लुटा दिया आपने और आज जो पैसे बढ़ रहे हैं वो उस समय के आपके पाप का ब्याज है। ये हमारी सरकार ने दिए हुए पैसे, ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो 52 लाख करोड़ पर ब्याज जो लग रहा है उसका है। और देश कभी आपको इस पाप के लिए माफ नहीं करेगा और कभी न कभी तो ये चीजें इसका हिसाब देश को आपको देना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं हीट और रन वाली राजनीति चल रही है, कीचड़ फेंको और भाग जाओ, कीचड़ फेंको और भाग जाओ, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला, और उछालो जितना उछालना है उछाल लो। और इसलिए मैं जरा कहना चाहता हूं अब इसमें मैं कोई आरोप नहीं करना चाहता, लेकिन देश तय करेगा क्या है। आपने कतर से गैस लेने का 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था और जिस दाम से गैस का कॉन्ट्रैक्ट किया था हमने आकर के कतर से बात की, हमने अपना पक्ष रखा, भारत सरकार बंधी हुई थी, आप जो सौदा कर गए थे हमको उसको निभाना था क्योंकि देश की सरकार की अपनी विश्वसनीयता होती है। लेकिन हमने उनको तथ्यों के सामने रखा, हमने उनको कन्विंस किया और मेरे देशवासियों को खुशी होगी अध्यक्ष महोदया ये पवित्र सदन में मुझे कहते हुए संतोष हो रहा है कि हमने कतार को रीनेगोशिएशन किया और गैस की जो हम खरीदी करते थे करीब करीब 8000 करोड़ रुपया देश का हमने बचाया। आपने 8000 करोड़ ज्यादा दिया था, क्यों दिया, किसके लिए दिया, कैसे दिया, क्या इसके साथ सवालिया निशान खड़े हो सकते, वो देश तय करेगा, मुझे नहीं कहना है। उसी प्रकार से मैं ये भी कहना चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर गैस के लिए भारत सरकार का एक सौदा हुआ था, गैस आता उनसे लिया जाता था, हमने उनसे भी नेगोशिएशन किया, लंबे समय का किया और आपने ऐसा क्यों नहीं किया। हमने 4000 करोड़ रुपया उसमें भी बचाया, देश के हक का पैसा हमने बचाया, क्यों दिया, किसने दिया, कब दिया, किसके लिए दिया, किस हेतु से दिया, ये सारे सवालों के जवाब आप तो कभी देंगे नहीं, मुझे मालूम है देश की जनता जवाब मांगने वाली है। छोटा सा विषय एलईडी बल्ब, कोई मुझे बताए क्या कारण था कि आपके समय वो बल्ब 300-350 रुपए में बिकता था, भारत सरकार 300-350 में खरीदती थी, क्या कारण है कि वही बल्ब कोई टेक्नोलॉजी में फर्क नहीं, कोई क्वालिटी में फर्क नहीं, देने वाली कंपनी वही 350 का बल्ब 40 रुपए में कैसे आने। जरा कहना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे बताइए सोलर एनर्जी क्या कारण है कि आपके समय सोलर पावर यूनिट 12 रुपया, 13 रुपया, 14 रुपया, 15 रुपया, लूटो जिसको भी लूटना है लूटो,
बस हमारा ख्याल रखो, इसी मंत्र को लेकर के चला। आज वही सोलर पावर 2 रुपया 3 रुपये के बीच में आ गया है, लेकिन उसके बावजूद हम आप पर भ्रष्टाचार के आरोप मैं नहीं लगा रहा। देश जो कि लगाना लगाएगा, मैं उसमें अपने आप को संयमित रखना चाहता हूं, लेकिन ये हकीकत बोल रही है कि क्या हो रहा था। और इसलिए और आज विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा, आज भारत के पासपोर्ट की ताकत सारी दुनिया में, जहां भी हिंदुस्तानी हिंदुस्तान का पासपोर्ट लेकर के जाता है, सामने मिलना वाला आंख ऊंची करके गर्व के साथ देखता है। आपको शर्म आती है विदेशों में जाकर के देश की गलत तरीके से पेश कर रहे हो? जब देश डोकलाम की लड़ाई लड़ रहा था, खड़ा था, आप चीन के लोगों से बात कर रहे थे? आपको याद होना चाहिए संसदीय प्रणाली, लोकतंत्र, देश, विपक्ष, एक जिम्मेवार विपक्ष क्या होता है। शिमला करार जब हुआ, इंदिरा गांधी जी ने बेनजीर भुट्टो के साथ करार किया, हमारी पार्टी का इतराज था, लेकिन इतिहास गवाह है कि अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा जी का समय मांगा, इंदिरा जी को मिलने गए और उनको बताया कि देश हित में ये गलत हो रहा है। बस हमने बाहर आकर के उस समय देश का कोई नुकसान नहीं होने दिया था, देश की हमारी जिम्मेवारी होती है। जब हमारी सेना का जवान सर्जिकल स्ट्राइक करता है, आप सवाल या निशान खड़ा करते हो? मैं समझता हूं जब देश में एक कॉमनवेल्थ गेम हुआ, इस देश में एक कॉमनवेल्थ गेम हुआ, अभी भी कैसी कैसी चीजें लोगों के मन में सवाल या निशान बनी। इस सरकार में आने के बाद 54 देशों का इंडिया अफ्रीका समिट हुआ, ब्रिक्स समिट हुआ, फीफा अंडर 17 का वर्ल्ड कप हुआ, इतने बड़े बड़े योजनाएं हुई। अरे अभी 26 जनवरी को आसियान के 10 देश के मुखिया आकर के बैठे थे और मेरा तिरंगा लहरा रहा। आपने सोचा नहीं था? अरे जिस दिन इस नई सरकार का शपथ हुआ और सार्क देशों के मुखिया आकर के बैठ गए, तो आपके मन में सवाल था कि 70 साल में हमें क्यों समझ नहीं आया। छोटा मन बड़ी बात नहीं कर सकता है। अध्यक्ष महोदया, एक न्यू इंडिया का सपना, उसको लेकर के देश आगे बढ़ना था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया की बात कही थी, स्वामी विवेकानंद जी ने नए भारत की बात कही थी, हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जब पद पर थे तब भी नए भारत का सपना सबके सामने रखा था। आओ हम सब मिलकर के नया भारत बनाने के संकल्प को पूर्ण करने के लिए अपनी जिम्मेवारियों को निर्वाह करें। लोकतंत्र में आलोचना एक लोकतंत्र की ताकत है, ये होनी चाहिए, तभी तो अमृत निकलता है। लेकिन लोकतंत्र झूठे आरोप करने का अधिकार नहीं देता। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश को निराश करने का हक नहीं देता है। और इसलिए मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को बोलने वालों ने बोल लिया, अब जरा आराम से उसको पढ़े, पहली बार पढ़ने में समझ नहीं आया तो दोबारा पढ़े, भाषा समझ नहीं आई है तो किसी की मदद ले। लेकिन जो ब्लैक एंड व्हाइट में सत्य लिखा गया है उसको नकारने का काम न करें। इसी एक अपेक्षा के साथ राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जिन जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और मैं सबको कहता हूं कि सर्वसम्मति से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण
motion of thanks. Shall I put all the amendments to the roll of the House together, or does any honourable member want any particular amendment to be put forward? I shall now put all the amendments which have been moved together to the vote of the House. That all the amendments moved by honourable members be adopted. Those in favour may say aye, those against may say no. I think the noes have it, the amendments are negative. I shall now put the motion of thanks on the President's address to the vote of the House. The question is that an address be presented to the President in the following terms. That the members of the Lok Sabha assembled in this session are deeply grateful to the President for the address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on January 29, 2018. Those in favour may say aye, those against may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted. Now, statutory resolution, Arun Jaitley ji. Madam Speaker, I rise to move the following resolution. In pursuance of Section 8, Capital A, 1 of the Customs Tariff Act, read with subsection 3 of Section 7 of the said Act, this House hereby approves the notification number 25 of 18, Customs dated 6 February 18, which seeks to increase the basic custom duty on chana falling under tariff item number 713-2000 of the Customs Tariff Act from 30% to 40%. Yeah. The question is that the statutory motion moved by Honorable Minister be adopted. Those in favour may say aye, those against may say no. I think the ayes have it, The statutory motion is adopted. Now the House stands adjourned to meet again at 2 3 o'clock. Okay.